हेलो दोस्तों हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ए ट्रिपल इंटीग्रल ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड टेकन ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन आर इक्वल टू वन क्वेश्चन देखने से इतना क्लियर हो गया कि ये थ्री थ्री ट्रिपल इंटीग्रल का क्वेश्चन है और यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन दिया हुआ है ठीक है और ये कंडीशंस दी है साथ में कह रहे हैं कि पॉजिटिव ऑक्टेंट तो पॉजिटिव ऑक्टेंट में क्या होता है एक्स वाई जेड तीनों ही पॉजिटिव होते हैं मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो जेड ग्रेटर दैन इक्व टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन दिया ही है तो एकदम क्लियर हो गया कि इसमें लेवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम लगेगा इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन दिया हुआ है ठीक है तो लेवलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम क्या होता है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फंक्शन चाहिए इंटू एक्स की पावर एल माइनस वन वाई पावर एम माइनस वन जेड की पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू फार्मूला होता है गामा एल गामा एम गामा एन ये जो लिखा होगा एल एम एन तो गामा एल गामा एम गामा एन अपान गामा एल प्लस एम प्लस एन इंटीग्रेल एच वन टू एच टू ये पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी एच वन एच टू क्या है आगे इसमें आ जाएगा वेर वी इज ये वी है वी इज इंक्लोज बाई किससे इंक्लूज हो रहा है पॉजिटिव ऑक्टेंट पॉजिटिव ऑक्टेंट का मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एच वन इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस दैन आरक्ल टू एच टू ये तो फार्मूला हो गया कि ये कंडीशन होनी चाहिए थ्री डी के लिए है ना अगर ट्रिपल इंटीग्रल का है तो ये कंडीशन होनी चाहिए डबल इंटीग्रल का है तो वहाँ दो वेरिएबल का हो जाएगा यही सारा कुछ दो वेरिएबल के लिए हो जाएगा चार वेरिएबल है तो यही सब कुछ इसी तरीके से चार वेरिएबल का हो गया हो जाएगा एन वेरिएबल दिए है, तो यही सब कुछ वेरिएबल के लिए हो जाएगा तो यहां पर अगर कंपेयर करें इसको और अपने क्वेश्चन को तो ये क्या है, है? E तो e दोनों दोनो साइड यू रख लें तो यह क्या बन गया एफ यूज इक्वल टू ई पावर यू एफ यूज इक्वल टू ई पावर यू ठीक है यहां जो एफ यू की जरूरत पड़ेगी हम लोग यहां निकाल लिया द इंटीग्रल टेकन ओवर द पॉजिटिव ऑक्टेंट सच दैट इतना इसका क्या मतलब हुआ पॉजिटिव ऑक्टेंट का मतलब हुआ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ये कंडीशंस दी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन अगर लोअर लिमिट नहीं दिया इधर नहीं दिया तो हम लोग इसको जीरो से मानेंगे जीरो इज लेस देन इक्वल टू दिस ठीक है तो एच वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी एच टू की वैल्यू वन है ना इससे कंपेयर करो तो एच वन की वैल्यू जीरो एच टू की वैल्यू वन ठीक है तो फार्मूला आप चलिए लगाते हैं तो ट्रिपल इंटीग्रल ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये ये वाला जो लिखा है तो ठीक है यहाँ पर एक्स की पावर एल माइनस वन वाई पावर एम माइनस वन जेड पावर एन माइनस वन चाहिए लेकिन यहाँ तो नहीं है तो एक्स की पावर वन माइनस वन लिख सकते हैं वन एक्स की पावर जीरो वन होता है इसी तरीके वाई की पावर वन माइनस वन जेड की पावर वन माइनस वन डी

एफ यू एफ यू की वैल्यू क्या निकली है ई पावर यू इंटू यू की पावर एल प्लस एम प्लस एन माइनस वन तो वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन इंटू डी यू तो ये हो जाएगा आपका ये कैंसिल ई यू स्क्वायर हो जाएगा तो जीरो टू वन यू स्क्वायर ई पावर यू डी यू है ना यू स्क्वायर ई पावर यू डी यू अब इसका इंटीग्रेशन कर लो तो इंटीग्रेशन का देखिए एक ये रूल है क्या कि इंटीग्रल यू वी डी एक्स डी इक्वल टू यू इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस यू डबल डैश इंटू वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश इंटू वी फोर इस तरीके से एक ही लाइन में इंटीग्रेशन हो जाएगा होता वही है कि इंटीग्रेटिंग वही पार्ट एक बार करेंगे फिर इस यहाँ पे दोबारा करेंगे तो इस तरीके से टर्म्स बढ़ते रहेंगे है ना तो ये दो फंक्शन हैं उसका इंटीग्रेशन एक ही लाइन में हम लोग लिख सकते हैं डैश वाले को यानी यू मानेंगे जो पॉलिनोमियल होगा और वी दूसरे फंक्शन को मान लेंगे तो यहाँ पर देखिए यू किसको मान लिया यू मान लिया हमने इसी यू स्क्वायर को और ये वाला हमारा v हो जाएगा। तो क्या है फार्मी वन डैश का मतलब होगा डेरिवेटिव और V1 का मतलब v का एक बार इंटीग्रेशन v2 का, मतलब का इंटीग्रेशन कर v2 का करेंगे v3 निकल आएगा, आएगा। जैसे u का डैश करेंगे यू डैश आएगा फिर इसका डेरीवेटिव यू डबल डेरीवेटिव यू ट्रिपल डैश ये काम करते हुए जाना है तो देखिए एक ही लाइन में इंटीग्रेशन हो जाएगा तो पहला हो गया यू मतलब ये एज इट इज़ इस और इसका इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में तो ई पावर यू का यू की ई पावर यू ही होगा फिर माइनस माइनस अल्टरनेट साइन चलते हैं अल्टरनेट साइन चलेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस डॉट ठीक है तो अगला हो जाएगा माइनस फिर इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव क्या हुआ टू यू और इसका इंटीग्रेशन कर लो यहाँ आ जाएगा तो इसका फिर इंटीग्रेशन ई पावर यू ही रहेगा फिर अगला प्लस है ना माइनस फिर अगला प्लस आ जाएगा अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू आ जाएगा और इसका फिर इंटीग्रेशन करोगे तो ई पावर यू ही रहेगा अब अगले वाले टर्म में इसका डेरिवेटिव जीरो मतलब आगे के सब टर्म अब जीरो हो जाएंगे तो ये एक ही लाइन में हो गया इंटीग्रेशन हम लोग ई e वाला फार्मूला लगा सकते हैं ठीक है तो ये कितना हो गया लिमिट रख लो जीरो टू वन तो जब आप वन रखोगे तो यू की जगह वन तो यहाँ से यू आ गया ई आ गया माइनस टू ई और प्लस टू ई जीरो रखोगे तो यू की वजह से ये जीरो यू की वजह से ये जीरो और यहाँ से आपको ई पावर जीरो वन माइनस का टू मिलेगा तो देखिए टू यू टू यू टू ई टू ई कैंसिल तो ई माइनस टू अपान टू है ना ई ई माइनस टू ये वाला और ये वाला टू अपान का तो ई माइनस टू अपान टू ये आंसर हो गया ठीक है इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ थैंक यू